गोल लगातानी समाचार बक्सर सभा रिपोर्टर बनी रोहित ओझा जी। खबर के हेडलाइन सुनी, कार्यपालक सहायक दो दिन के सांकेतिक हड़ताल पे निकाल देने कैंडल मार्च। अब खबर का बाब विस्तार से सुनी रोहित ओझा के रिपोर्ट बटुए। अपन मांग के लेके कार्यपालक सहायक दूसरा दिन कवलदह पार्क में मंगलवार के कैंडल मार्च निकल रहे, जहाँ कवलदह पार्क से कैंडल जुलूस निकाल के अम्बेडकर चौक ज्योति चौक और कैंडल मार्च वीर कुंवर सिंह चौक तक गई। मंगल के हड़ताल के अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष दीनानाथ सिंह कैनी धरना के अंतिम और दूसरा दिन संबोधित करत महिला उपाध्यक्ष अंशु कुमारी बतैली कि इलो के कुछ विशेष मांग बटुए, जो उनकी निजीकरण ना होके प्राइवेट के कंपनी के मत दिहल जाओ, सरकारी स्तर पर इलो के मान्यता दिहल जाओ। एकरा अलावे इलो के मांग रहे कि नियमावली बिंदु 6, 7, 8, 9 निरस्त करे के मांग कैल। आ इलो कहल कि अगर सरकार हमनी के बात 5 दिन में नहीं सुनत तो हमनी के सब कार्यपालक सहायक 15 मार्च से आंदोलन, अनिश्चितकालीन हड़ताल, आमरण अनशन, सरकारी कार्यालय के घेराव आदि करे के मजबूर रह जाए। वही जिला सचिव राजेश कुमार सिंह बतैनी के वर्ष 2015 से कई बार परिषद के बैठक भइल, लेकिन लंबित मामला के पूर्ति खातिर कोनो भी ठोस कदम ना उठावल गई, जरा के लेके लगातार आंदोलन कर रहा बा लोग। इन लोग के कई गो मांग बटुए जो उनकी कंडिका 6, 7, 8 बतावल बा। सुनी बयान, हमारी जो मांग है जिसे बिहार सुधार सोसाइटी जो मिशन है उनके डायरेक्टर प्रतिभा मैडम है, हम लोग को जो बिहार सरकार का एक अभिन्न अंग है उसमें 29वीं बैठक में कंडिका 6, 7, 8, 9 जो निर्णय निकाली है उस निर्णय के विरोध में हम लोग ये प्रदर्शन दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किए हैं। अगर ये मांग हम लोग का पूरा नहीं होता है, वो जो निरस्त नहीं करती है, तो आगे हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। जी आपका परिचय? मैं दीनानाथ सिंह, जिला अध्यक्ष कार्यपालक सहायक संघ जिला इकाई बक्सर। खिलाफ में ही हम लोग बिहार राज्य कार्यपालक सेवा संघ के सदस्य हैं। मैं सत्येंद्र कुमार यादव, जिला संयोजक बक्सर इकाई। हम लोगों का जो है जो शासी परिषद की 29वीं बैठक हुई है उसमें कंडिका 6, 7, 8 और 9 में जो निर्णय लिया गया है वो हम लोगों के खिलाफ है, जिसके विरोध में हम लोग बिहार सरकार और BPSN के खिलाफ 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल किए हैं। और अगर ये हमारी मांगे इसको रद्द नहीं किया जाता और हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में हम लोग चरणबद्ध तरीके से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। क्या आप लोगों की मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं कि हम लोगों का अस्थायीकरण किया जाए, निजीकरण को खत्म किया जाए, शोषण प्रथा खत्म, संविदा प्रथा खत्म किया जाए, राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, तमाम तरह की हम लोगों की मांगे हैं जिसको पूरा करना हर हाल में सरकार को करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपका परिचय? मैं जिला संयोजक बेसा बक्सर इकाई। क्या मांगे आप लोगों की? हम लोग ये 29वीं शासी जो बैठक हुआ है उसका पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार जो ये है हम लोग के अगेंस्ट हमेशा काम करती है। एक तो कार्यपालक सहायक इतना करते भी है और ऊपर से उनके ऊपर दबाव भी डाला जाता है, जो कि हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और हम लोग की कुछ मांगे भी है जो हम लोगों ने रखा है। क्या क्या मांगे आपके? हमारी कुछ 8 सूत्री मांगे हैं जो कि पब्लिश किया गया है, तो वो सब में ये सब इंक्लूड है कि जो 29वीं शासी में जो लिया गया था उसमें कुछ सुधार हो। और देखिए ये 29वीं बैठक कार्यवाली की कंडिका 6, 7, 8 एवं 9 में कार्यपालक सहायकों के निमित्त उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के प्रतिकूल के लिए लिए गए आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। और जो कार्यमुक्त कार्यपालक सहायक को तत्काल प्रभाव से अन्य कार्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर उनका समायोजन किया जाए। इस तरह से हमारी टोटल 8 मांगे हैं जो कि सरकार अभी तक नहीं मांग रही है। वही हम लोग उनसे निवेदन करते हैं कि हमारी बातों को सुना जाए और ये कुछ हमारे फेवर में काम किया जाए। जी आपका परिचय क्या पड़ेगा? मैं श्वेता हूँ, जिला अध्यक्ष महिला संगठन की, श्वेता कार्यपालक सहायक।